खुर्शीद आलम साहब आए वापस, एम लौटा है बशार बुखारी साहब वापस, हम दोनों सिस्टम में किया कुछ काम पड़ गया। आज मैं दिल्ली से डायरेक्टली आ रही हूँ इधर, तो मैं वास्तव में खुर्शीद आलम साहब ने मुझे पाना ही किए पानी से वनस में क्या दलील गए क्या गए पिछ खुशी क्या आज आई वापस कह जे इम चार बड़े तथ वजह कि मुफ्ती साहब ने सिम पन्ने वाता बन गया जमस में सर आज भी मन माल से तरामल में पे उस यार कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा पीडीपी में वापस आए हैं। मशहूर उमेर इन इन सिर गैसे पीडीपी जमात बे अकेले मजबूत तेरे नदर से बस दिमाग लीडर अच्छे वर्कर अच्छे सारी करने में मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है, खुशामदीद है। और मेरा तो क्या है, मैं मेरे वालिद ने भी बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में, तम साथ इस्तेम करा लेकिन इस निजाम के खिलाफ स्ट्रगल तम साथ इससे तुम्हें सोशल बाइकआउट हो गया। आज गो मैं सिर्फ प्रत का बाइकआउट पॉलिटिकल थे इकोनॉमिक थे सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था एक एजेंडा था एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है कि मेरी शक्ति से जम्मू कश्मीर के लोग इसके इनकाल पगा से जी अजत लोग की वहाँ अरेस्ट करने चाहे तब मौलवी चाहे बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट हजरात हैं चाहे कोई और है। तो मुझे लगता है कि जो मुफ्ती साहब का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो मसला है जब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जाए तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो इसी पे ज्यादा जोर देते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी से चले गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं, तो इसलिए मुफ्ती साहब का वो ख्वाब वो विजन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है इस खून खराबे से बाहर निकालना है उसको पूरा करने में मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुन सवाल क्या आज वो तो पहली बयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है जो यहाँ का आईन है यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको पूरे इख्तियार देता है बराबर इख्तियार देता है किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है, तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं, पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी क्योंकि ये अलग एक यहाँ निज़ाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने काम किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी खामोश है उनको भी इस पर बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।